आज हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग दूसरों के दबाव में जीने पर मजबूर हो रहे हैं। कोई किसी ताजिर के दबाव में है, कोई किसी लीडर के दबाव में है, कोई किसी भाई के दबाव में है, कोई किसी शौहर के दबाव में है, कोई किसी बीवी के दबाव में है, कोई किसी पड़ोस के दबाव में है और कोई किसी गुंडागर्दी के दबाव में है, और कोई आदमी किसी बीमारी के दबाव में है, कोई आदमी किसी डॉक्टर के दबाव में है, कोई आदमी किसी पुलिस वाले के दबाव में है। अलगर्ज हमारा माशरा किसी न किसी के दबाव में जी रहा है और दिन ब दिन घुटते हुए जा रहा है, अपने घुटन का इलाज तलाश कर रहा है, दबाव से बाहर निकलने के रास्ते तलाश कर रहा है, लेकिन उस आदमी को दबाव से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आइए हम दुआ सिखाते हैं कि अगर आप उस दुआ को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह लोगों के दबाव से महफूज रहेंगे, दुश्मनों के दबाव से महफूज रहेंगे, और जिस दबाव को आप परेशानी का बाई समझ रहे हैं ना, वो दबाव से आप छुटकारा पाएंगे। वो दुआ कौन सी है? रब्बी अन्नी मगलूबन फंतसिर। कितनी प्यारी दुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का इलाज बता रखा है। दुआ सीखे, रब्बी अन्नी मगलूबन फंतसिर। परदिगारा मैं मगलूब हूं, परदिगारा मैं दबाव में हूं, फंतसिर तू ही मेरी मदद कर सकता है, लिहाजा मैं तेरी मदद का मोहताज हूं। फिर दोबारा सीखें, रब्बी अन्नी मगलूबन फंतसिर, रब्बी अन्नी मगलूबन फंतसिर। कितनी प्यारी दुआ है। अगर आप इस दुआ को पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह जिस दबाव में आप जी रहे हैं उस दबाव से आप छुटकारा हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम तमाम को हर दिन दुआ को सीख कर उसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।